Good morning and Jai Hind children. In this video, we will start waste disposal methods. कूड़े को किस तरह से और कैसे और किन किन मेथड्स से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं. आप जानते हैं कि वेस्ट जो होता है उससे बहुत तरह की बीमारियाँ डिजीज़ फैलती हैं. इस वजह से इनका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है. इस वजह से हम लोग अपने इस वीडियो में वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे. सो लेट्स बिगिन ऑल ऑफ यू. सम मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर, कुछ जो मेथड्स हैं वो आपके बुक में दे रखे हैं. हाँ, इनके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट आपको फोर मेथड्स पढ़ने हैं. फर्स्ट वन इज़ द लैंडफिल, सेकेंड वन इज़ द इंसिनरेशन, थर्ड वन इज़ द कंपोस्टिंग एंड फोर्थ वन इज़ द वर्मी कंपोस्टिंग. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, लैंडफिल्स, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग. दिस फोर मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज़ लैंडफिल. और लैंडफिल की मीनिंग होती है बच्चों गड्ढों की भराई. ऑल काइंड्स ऑफ वेस्टेस आर डम्प्ड एट लैंडफिल्स साइट्स अवे फ्रॉम द सिटीज. एक्चुअली में बहुत सिटीज मीन्स शहर, तो शहर से बहुत दूर कुछ गड्ढे बनाए जाते हैं और उन्हीं गड्ढों में शहर का जो कूड़ा होता है उसको कलेक्ट करके और उस बहुत दूर शहर से ले जाके और उन्हीं गड्ढों में भरते हैं. ऑल काइंड ऑफ वेस्टेस आर, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ जो वेस्ट होते हैं उनको लैंडफिल साइट बनाई जाती है और उसमें ले जाकर सिटीज से शहरों से ले जाके और उसी साइट पे उसमें फिल कर देते हैं, जिसको हम लोग लैंडफिल कहते हैं. अर्लियर द वेस्टेस वर लेफ्ट ऑन द साइट्स. पहले क्या था, जो कूड़े थे वो जगहों पर छोड़ दिए जाते थे, बट नाउ द वेस्ट इज बरीड. आफ्टर पाइलिंग अप द साइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेस एंड बिल्डिंग रोड्स. पहले क्या था, पहले बस साइट पे जगह पे ले जाके कूड़ा डाल देते थे बस. लेकिन अब क्या हो रहा है बच्चों, अब जो है एक गड्ढा बनाते हैं और उसमें वेस्ट को बरीड कर देते हैं, मींस फिल कर देते हैं और उसके बाद उसको एक लेवलिंग कर देते हैं, एकदम ढक देते हैं. और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पे आप हाउस भी बना सकते हो, रोड भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो. तो इस तरह से वेस्ट डिस्पोज भी हो गया और आप उस पर हाउस और बिल्डिंग भी और रोड्स भी कुछ भी बनवा भी सकते हो. इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. और ये सबसे कॉमन यानी कि साधारण तरीका है वेस्ट को डिस्पोज करने का. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ लैंडफिल. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ लैंडफिल, सी दिस. Now we will see the second method of waste disposal, which is the incineration. What? Incineration. Incineration means kuda jala dena. So now I am reading. In this process, the waste is burnt in furnace at high temperature. इस प्रक्रिया में waste को high temperature यानी बहुत ज़्यादा तापमान में, बहुत ज़्यादा गर्मी में और फर्नेस यानी ये भट्टी में रख के और वेस्ट मटेरियल को खूब जलाते हैं. इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ एस. अब किसी भी चीज़ को जलाएंगे आप तो उसमें से राख निकलती है ना बच्चों, तो वैसे ही इस कूड़े में से भी राख यानी ऐश होगी, ठीक है. एंड कॉजेस एयर पोल्यूशन, और जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होगा ही होगा, ठीक है. सो इंसिनरेशन में कूड़े को हम लोग जला देते हैं. देखिए आपके सामने पिक्चर है, इंसिनरेशन में कूड़े जल रहे हैं और इस वजह से वो ओवर यानी समाप्त हो जाएंगे.
Now let's moving to the third method, composting. Composting means khad banana. So in this process, the organic matter, animal and plant waste is allowed to decompose. इस प्रक्रिया में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं बच्चों, वो मैटर होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो एनिमल या प्लांट के वेस्ट से बनती हो, ऐसी वेस्ट को ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर जलाने में राख में परिवर्तित हो जाती हैं और ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरह से जल भी जाती हैं। सो ऐसे मैटर जो पूरी तरह से जल के राख बन जाए उनको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको पूरी तरह से जलाया, मतलब डिकम्पोज यानी कि सड़ाया जाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन मैन्योर्स आर फॉर्म्ड। और जब इन कूड़ों को सड़ाया जाता है तो मैन्योर बनती है, मैन्योर यानी कि खाद बनती है, विच आर यूज्ड एज प्लांट न्यूट्रिएंट। और उसी खाद को हम लोग फिर से प्लांट में डालते हैं और प्लांट्स को उनसे न्यूट्रिएंट मिलता है। सो इस तरह से आप किसी चीज़ को सड़ा के, ऑर्गेनिक चीज़ों को सड़ा के आप खाद बना सकते हो और वापस से उस खाद का यानी मैन्योर का आप यूज़ भी कर सकते हो। सो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से आपके लिए वरदान है कि आप कूड़ों से यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट से आप खाद बना सकते हो। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कंपोस्टिंग, देखिए खाद ये बन रही है। नाउ लास्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज वर्मी कंपोस्टिंग, यानी कि केचुआ खाद। इट इज़ सिमिलर टू कंपोस्टिंग बट इन दिस प्रोसेस वर्म्स आर एडेड टू इन्हेंस द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ये भी बिल्कुल कंपोस्टिंग की तरह से ही है ये मेथड भी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप वर्म्स को ऐड करते हो। वर्म्स मीन्स कीड़े यानी कि केचुआ, उसको आप ऐड कर देते हो। केचुआ क्यों आप ऐड करोगे बच्चों खाद में, क्योंकि इसलिए ऐड करोगे क्योंकि जो अर्थवॉर्म होता है, मोस्टली अर्थवॉर्म ही ऐड करते हैं, ताकि अर्थवॉर्म जो होता है ना वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस को, सड़ाने की जो प्रोसेस है उसको तेज कर देता है। द एक्सक्रीटा ऑफ द वॉर्म्स आर ऑल्सो इंक्रीजेज द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ मैन्योर फॉर्म। और जब अर्थवॉर्म एक्सक्रीट करता है, मल मूत्र अपने त्यागता है, तो उसकी वजह से जो मैन्योर तैयार होता है, मैन्योर की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, पोषक तत्व है, उनमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये मैन्योर जब प्लांट में डाला जाएगा तो मैन्योर जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। सो वर्मी कंपोस्टिंग देखिए आपके सामने है स्क्रीन। और कंपोस्टिंग मेथड में भी सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स है, प्लांट के वेस्ट है, चाय पत्ती है और फ्रूट्स हैं, ये सब मिक्स करके और काऊ डंग जो गोबर होती है उसको मिक्स करके और उसमें देखिए वॉर्म्स को डाल दिया गया है। अब ये डिकम्पोज करेंगे इन सब चीज़ों को, ये वॉर्म्स, और इससे एक खाद बनेगी। सो हमने देखा कि कैसे हम लोग वेस्ट को हम लोग एक तरह से डिस्पोज भी कर रहे हैं और उससे हम फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो I hope you all have enjoyed the video. So we will meet with the new topic in the upcoming video. Thank you all of you.